हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किलबस। दोस्तों, स्किलबस फाइनली अपना सबसे अवेटेड कोर्स का लॉन्च कर दिया है अपने वेबसाइट पे, जिसका नाम है द फाइनेंशियल एनालिस्ट कोर्स। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के थ्रू हमने एक सर्वे किया था, जहां हमने पूछा था कि कौन से कोर्सेज का डिमांड आप हमसे रखते हैं। उसमें मैक्सिमम आंसर्स आया था फाइनेंस, फाइनेंशियल मॉडलिंग और स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोर्सेज का। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए हमने ये फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स लॉन्च किया, जहां इन सारे कॉन्सेप्ट को हमने एक तरीके से क्लब किया है। और ये कोर्स हम ऐसे ऑर्डर में डिजाइन किए हैं कि अगर आपका फाइनेंशियल एक्सपीरियंस एकदम जीरो भी है, तो भी इस कोर्स का अंडरस्टैंडिंग आपके लिए एकदम केक वॉक होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं मेनली चार चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द कोर्स डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया देने वाला हूँ कि इस कोर्स को किस तरीके से डिजाइन किया गया है। और यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स को हम लोग ओवरऑल कवर किए हैं इस कोर्स में। दूसरे बिट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द प्रोजेक्ट वर्क दैट यू विल गेट विद द कोर्स। ये प्रोजेक्ट वर्क मेनली इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि कोर्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आप स्टडी करो, उसका प्रैक्टिकल आउटलुक आपका और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। उसके बाद इन द थर्ड बिट आई विल डिस्कस अबाउट योर पोजीशन बाय द एंड ऑफ द कोर्स, कि इस कोर्स को खत्म करने के बाद आप किस पोजीशन में रहोगे अपने आप में, आपका नॉलेज गेन कितना होगा, प्रैक्टिकल आउटलुक कितना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, उसका जो वैल्यू एडिशन होगा उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। एंड एट लास्ट आई विल डिस्कस अबाउट हाउ टू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, किस तरीके से आप हमारे वेबसाइट में जाके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो बाय द कोर्स डिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स है, ये 8 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे जो सबसे पहला मॉड्यूल है, वहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बेसिक इकोनॉमिक्स। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमी किस तरीके से ऑपरेट करती है, उसको बहुत ही इन डेप्थ प्रोसेस में समझने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि जो मार्केट्स होती है, जो इकोनॉमी का एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उस मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट का बाइंग एंड सेलिंग होते होते प्राइस का जो फ्लक्चुएशंस होता है वो किस तरीके से होता है, और इस चीज को हम लोग ग्राफिकली समझने वाले हैं। और कोई भी मार्केट का जो प्रोडक्ट होता है उसका फेयर प्राइस और क्वांटिटी क्या होता है, उसको भी हम लोग उस ग्राफ के थ्रू निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी इकोनॉमी के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन की स्टेजेस किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से इकोनॉमी में क्राइसिस आती है, कोई भी जो करेंसी होता है उसका एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से होती है, और गवर्नमेंट यानी कि सरकार इन सारे चीज को किस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है, इन सारे चीजों को हम लोग मॉड्यूल 1 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मॉड्यूल 2 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और डीसीएफ मॉडलिंग किस तरीके से किया जाता है स्प्रेडशीट के थ्रू, वो आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि डीसीएफ मॉडलिंग के थ्रू एक तरीके से हम लोग कोई भी बिजनेस का वैल्यूएशन करते हैं, मतलब आज के डेट में कोई बिजनेस का कितना वैल्यूएशन है वो हम लोग डीसीएफ मॉडल के थ्रू ही निकालते हैं। वही चीज हम लोग प्रैक्टिकली और बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि डीसीएफ मॉडलिंग एक तरीके से फाइनेंशियल मॉडलिंग का ही एक हिस्सा होता है। फिर मॉड्यूल 3 में जाने के टाइम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग टूल्स के बारे में। कैपिटल बजटिंग टूल्स यानी कि एक तरीके का फाइनेंशियल टूल्स होता है, जिसके थ्रू एक कंपनी जो होती है वो अपने कैपिटल को बजट करते हैं एक तरीके से, वो अपना फाइनेंशियल डिसीजंस किस तरीके से लेते हैं एक पूरा कंपनी, वो चीज हम लोग समझने वाले हैं मॉड्यूल 3 में। यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जैसे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इंटरैक्टिव वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आपको समझाने वाला हूँ एकदम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। उसके बाद मॉड्यूल 4 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। अगर आप एक नॉन फाइनेंशियल प्रोफेशनल हो तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके लिए हमेशा एक कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट रहा होगा कि किस तरीके से इन्हें रीड किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में इन सारी चीजों को हम लोग बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी आखिर क्यों इतना स्टेटमेंट्स बनाती है, इन सारे स्टेटमेंट्स को आप स्टडी कैसे कर सकते हो, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को आप पढ़ के किस तरीके से कंपनी का जनरेटेड कैश फ्लो को निकाल सकते हो, इन सारे चीजों को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं इस मॉड्यूल में। मॉड्यूल 5 में सबसे अवेटेड टॉपिक का डिस्कशन होने वाला है फाइनेंस रिलेटेड, जो कि है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी सारे ऑपरेशंस होते हैं, सेटलमेंट किस तरीके से होता है, डिलीवरी किस तरीके से होता है, क्लियरिंग किस तरीके से होती है, जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी स्टॉक मार्केट रिलेटेड है, जैसे कि स्टॉक स्प्लिट होता है, बोनस शेयर्स होता है, शॉर्ट सेलिंग किस तरीके से एक्चुअल कौन से अकाउंट के साथ ऑपरेट होती है, किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस फाइनलाइज होता है, सारे चीजों को हम लोग बहुत ही प्रैक्टिकल वे में डिटेल में समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में। उसके बाद मॉड्यूल 6 में हम लोग स्टडी करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस के बारे में। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से
डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज जो अक्सर फाइनेंशियल वेबसाइट्स में रहते हैं, उन रेशियोज को आप पढ़ के किस तरीके से कंपनी का जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको डिसाइड करके आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। बहुत रेशियोज ऐसे होते हैं जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर डेट रेशियो होता है, करंट रेशियो होता है, ऐसे बहुत तरीके के डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ रेशियोज होते हैं जिसको स्टडी करके एक तरीके से आप फंडामेंटल एनालिसिस करके कंपनी का एक स्ट्रेंथ निकालते हो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद वो रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या लिमिटेशंस होता है, उन सारे चीज़ों को स्टडी करने के बाद ये भी सिखाया जाएगा इस मॉड्यूल में कि किस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हो इन रेशियो एनालिसिस के थ्रू। तो ये सारे डिस्कशन हम लोग मॉड्यूल 6 में करने वाले हैं। आफ्टर दैट इन मॉड्यूल 7 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल मार्केट्स इन डिटेल। अब जब भी फाइनेंशियल मार्केट्स की बात आती है आपके दिमाग में स्टॉक मार्केट ही आता है, बट फाइनेंशियल मार्केट्स में उसके अलावा भी कितने तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि डेरिवेटिव मार्केट जो होती है इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानने वाले हैं हम, जहाँ पे फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शंस और स्वैप्स जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। बॉन्ड मार्केट्स किस तरीके से ऑपरेट करती है, बॉन्ड वैल्यूएशन किस तरीके से होते हैं, कितने तरह के रेट्स होते हैं, उन रेट्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो सारी चीज भी हम लोग इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में सीखने वाले हैं। आफ्टर दैट इन मॉड्यूल 8 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिस्क एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। किस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हो, रिस्क और रिटर्न को किस तरीके से आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हो और अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हो। जो अक्सर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स कहते हैं कि नेवर पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट, तो इसका जो एक्चुअल मतलब है दैट इज डाइवर्सिफिकेशन, आप एक्चुअली न्यूमेरिकल वे में किस तरीके से करते हो वो हम लोग इस मॉड्यूल में सीखने वाले हैं। ये सारे चीज कंप्लीट होने के बाद आपका कोर्स टेक्निकली आपका स्टडी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप करेंगे एक प्रोजेक्ट, तो एक तरीके से आपका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को और अच्छी तरीके से बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट का डिजाइन किया गया है। तो इस प्रोजेक्ट को 3 चैप्टर्स में हम लोग डिवाइड किए हैं। सबसे पहले चैप्टर में आप एक रोल निभाओगे और वो रोल होगा एक इकोनॉमिक रिसर्च एनालिस्ट का, मतलब एक सर्टेन इकोनॉमी को आप स्टडी करोगे। यहाँ पे एक सिनेरियो दिया जाएगा आपको, एक मार्केट सिनेरियो दिया जाएगा, एक प्रोडक्ट दिया जाएगा और उस चीज को आप देख के एक तरीके से एक सिनेरियो को स्टडी करके आप ग्राफ ड्रॉ करोगे और ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि उस मार्केट में उस प्रोडक्ट का फेयर प्राइस क्या है। एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जब भी कोई कंपनी एक सर्टेन इकोनॉमी में अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा होता है, तो उस पर्सपेक्टिव में ये इकोनॉमिक रिसर्च एनालिस्ट का एक काम हो जाएगा जो आपका फर्स्ट चैप्टर में रहेगा इस प्रोजेक्ट का। तो एक तरीके का एक्सरसाइज रहेगा जो आपको दिया जाएगा जिसमें आप अपना इनसाइट्स को यूज करके इस पूरे प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से आप सॉल्व करोगे आफ्टर ऑल द आइडियाज दैट यू विल गेन आफ्टर स्टडिंग दिस होल कोर्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर में रेशियो एनालिसिस का एक पार्ट दिया जाएगा जहां पे आप कंपनीज को सिलेक्ट करेंगे, उसका रेशियो कंपैरिजन करके आप डिसीजन देंगे कि कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना है आफ्टर स्टडिंग एवरीथिंग इन द कोर्स। उसके बाद थर्ड बिट में यहाँ पे फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक एक्सरसाइज दिया जाएगा। यहाँ पे एक स्प्रेडशीट आपको पूरी तरीके से बना के दिया जाएगा जहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स रहेंगे, उस फाइनेंशियल्स को स्टडी करके आपको एक तरीके से फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा उस कंपनी का, और उसको प्रेडिक्ट करने के बाद आपको कंपनी का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, और वैल्यूएशन करने के बाद आपको एक तरीके से एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट का रोल लेके आपको बताना पड़ेगा कि उस स्टॉक को जिस कंपनी का फाइनेंशियल्स आपको दिया जाएगा उस स्टॉक को आपको खरीदना है कि बेचना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाला है जो एक्चुअल में फाइनेंशियल एनालिस्ट जिस तरीके का काम करता है उसी चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज कंप्लीट करने के बाद आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। वो टेस्ट एक तरीके से सारे क्वेश्चंस रहेंगे फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स दैट यू हैव स्टडीड फ्रॉम द कोर्स। इससे आपका टेस्ट जब हो जाएगा उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेशन दी जाएगी जो आप एक तरीके से रेज्यूमे में भी रख सकते हो। तो मैं आपको अब बता देता हूं कि आफ्टर स्टडिंग ऑल द थिंग्स व्हाट वुड बी योर पोजीशन। सो बाय द एंड ऑफ द कोर्स व्हाट वुड बी योर पोजीशन, व्हाट वुड बी योर वैल्यू एडिशन। सबसे पहला चीज तो ये है कि आपका जितना भी सारे क्यूरियस क्वेश्चंस है फाइनेंस रिलेटेड, उन सारे क्यूरियस क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल जाएगा। अक्सर बहुत सारे टॉपिक्स को लेके हम लोग क्यूरियस होते हैं जिसका जवाब हमें रिसर्च करके भी अच्छी तरीके से नहीं मिलता है, वो सारे क्यूरियोसिटी को प्रॉपरली आंसर किया जाएगा इस कोर्स के थ्रू। उसके बाद आपका फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी तरीके का कन्फ्यूजन है उन सारे कन्फ्यूजन्स को भी क्लियर किया जाएगा इस कोर्स के थ्रू। सो देयर वुड बी कंप्लीट क्लैरिटी इन ऑल द टॉपिक्स ऑफ फाइनेंस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, क्योंकि हम लोग बहुत ही ऑर्डर्ड वे में सारी चीज बनाए हैं, तो आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आफ्टर एंडिंग दिस कोर्स।
उसके बाद यू बी एबल टू हैंडल एनी फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशंस वेरी कॉन्फिडेंटली। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई बहुत ही टेक्निकल फाइनेंस की बातें करते हैं, आप थोड़ा डर जाते हो, बिकॉज आपको समझ में ही नहीं आता है कि वो एग्जैक्टली किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो वो जो डर है, वो डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा एंड यू बी एबल टू हैंडल एनी फाइनेंशियल कॉन्वर्सेशन वेरी वेरी कॉन्फिडेंटली। उसके बाद इट वुड बी रियली ईजी फॉर यू टू परसू एनी करियर इन फाइनेंस आफ्टर स्टडिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स। ये जो कोर्स है आपके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म सेट कर देगा जिसको लेके आप किसी भी तरीके का करियर भी परसू कर सकते हो फाइनेंस में। अगर आप MBA का इंटरव्यू दे रहे हो फॉर फाइनेंस, तो भी एक तरीके से आप इस कोर्स का एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो अपने इंटरव्यू में, क्योंकि एज आई सेड कि आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा तो आप उसको रेज्यूमे में भी अटैच कर सकते हो। And lastly, you'd be able to figure out how financial professionals take their investment decisions. Financial professional किस तरीके से अपना investment decisions लेते हैं, वो भी आप अच्छी तरीके से figure out कर पाओगे। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि किस तरीके से इस course में आप enroll कर सकते हैं। तो हमारे website में जाके किस तरीके से क्या process है enrollment का, वो मैं आपको अब अच्छी तरीके से बता देता हूँ। तो ये process काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप simply skillbus.in लिखिए या फिर आप skillbus trainings directly Google में सर्च कर सकते हैं, you would arrive in this page। यहाँ पे जाने के बाद आप our courses में जाइए and in the very first row आप देख सकते हो यहाँ पे financial analyst का एक course है। यहाँ पे आप जाके check details में जा सकते हैं। जाने के बाद यहाँ पे आपको एक नया tab में direct किया जाएगा, जहाँ पे आप नीचे जाके check कर सकते हो कि chapter wise क्या क्या topics हम लोग discuss करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं modules का discussion किया था, overall idea आपको दिया था। अगर आप एक एक चैप्टर के बारे में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। सो दिस इज टोटली अप टू यू। और अगर आपको एनरोल करना है, आप सिंपली एनरोल नाउ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक पेज में डायरेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे आपको एक तरीके से पेमेंट करके डायरेक्टली आप चेकआउट कर सकते हो। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एनरोलमेंट। ऑल द वेरी बेस्ट।